हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दल दल खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बचपन से लेकर आज तक मैंने इस मोहल्ले में एक भी शादी या सगाई का फंक्शन नहीं देखा। अनीता, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम वो नहीं हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। भैया मैं अभी आया। कोई स्पेशल फ्रेंड है क्या? स्पेशल तो नहीं भैया, वेरी स्पेशल। कहाँ है वो? यहीं पर। हम एक दूसरे के लिए बने हैं ना? लेकिन कभी कभी किसी और की जोड़ी किसी और के साथ बन जाती है। पता नहीं मेरा जोड़ा कहाँ है, किसके पास है। कमल, कमल बेटा, अरे उठो बेटा, अभी तक सो रही है, उठो बच्चा। कमल। अम्मी, कल बहुत मजा आया पार्टी में। पता है कितना अच्छा और बड़ा घर था उन लोगों का, और कितना बड़ा परिवार। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई। अम्मी, हमारे यहाँ ऐसा सब क्यों नहीं होता? देवो, देवो मेरा बैग कहाँ गई? चलो मुख खोलो। अब बैग क्या मेरा मुंह में डालोगी? ऐ ना, रसगुल्ला खाओ। ओफो, मैं तुमसे बैग मांग रहा हूँ, तुम मुझे रसगुल्ला थमा रही हो। एक तो कल रात से पेट में गड़बड़ है। तो फिर किसने कहा था पार्टी में आबुल ताबुल खाने के लिए? उधर शौरंग का भी पेट खराब है। हाँ तो फिर उसे घेवर खिलाओ ना। घेवर नहीं, उसको मिष्टी दही खिला के आ रही हूँ। अब तुम ये खाओ, इससे पेट ठीक होगा और चेहरा का रंग भी साफ होगा। किसका? मेरा? ना ना, मेरा। हाँ हाँ, कल रात पार्टी में तो तुम्हारा ही रंग था। जानो, कल रात पार्टी में हम बहुत खुश था। स्वयं था ना वहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए। जब बाड़ी का बड़ो छेले अपना जिम्मेदारी समझता है ना, तो माँ को बड्डो खुशी होता है। हाँ देखो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस हम तो काली माँ से यही प्रार्थना करेगा कि हमारा स्वयं जानो ऐसा ही थके। तू यहाँ खड़ी है, चलना नाश्ता तैयार है। कमल उठ गई क्या? सो रही है। थक गई होगी ना, शबू तूने देखा कल रात पार्टी से आकर वो कितनी खुश थी। और खुश भी क्यों ना हो, एक नई दुनिया में जो कदम रख रही है, एक ऐसी दुनिया जिससे हमने उसे हमेशा दूर रखा। शबो, मुझे लगता है कि दीदी, कमल इस नई दुनिया में कदम रख रही है, बहुत खुशी की बात है।
हमें भी खुश होना चाहिए। लेकिन आपने सोचा है दीदी कि जैसे जैसे वो इस नई दुनिया में कदम रखेगी, उसके दोस्त बढ़ेंगे, उसकी जान पहचान बढ़ेगी, उसके सवाल भी बढ़ेंगे। दीदी, हम बहुत दिनों तक उसके सवालों का जवाब छुपा नहीं पाएंगे अब। लेकिन शब्बू आपा, आप क्या चाहते हैं कि अपन लोग उसे इस नई दुनिया में कदम रखने से मना कर दें? नहीं रीटा, मैं ये शब्बू, हम तीनों ने मिलकर ही तो सपने देखे थे इस नई दुनिया के, कि अपुन की कमल भी इस नई दुनिया में। माँ, रेडी स्माइल। ये क्या, अपुन लोग को रेडी तो होने देना था ना। अरे मेरे को साड़ी बदलने का था। हाँ। अरे बाबा, आप लोग इन कपड़ों में भी दुनिया की सबसे अच्छी माए लगती है। चल झूठी कहेगी। अच्छा चलिए, अब मैं आपकी फोटो खींचूं। मैं? अरे मैं कैसे? अरे लेकिन कौन सा बटन दबाऊं? वाला, वो वाला। माँ, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा टिफिन ले लिया तूने? हाँ बाबा ले लिया। थोड़ी देर रुक जाती, पंगे आता होगा। नहीं नहीं माँ, मैं लेट हो रही हूँ, मैं बाहर ही वेट कर लेती हूँ। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ देखा है। हाँ, वो रमा भाई के उधर देखा था। वो मेरी माँ है। अच्छा, तो तुम रमा भाई की बेटी हो। क्या नाम है तुम्हारा? कमल। कमल, बड़ा अच्छा नाम है। तो तुम मुझे पहचान गई होगी, तुम्हारी माँ का और मेरा बिजनेस एक ही है। आना कभी, अपने उधर भी आते रहना। हाँ, कहाँ जा रही हो? कॉलेज। चलो मैं छोड़ दूँ? नहीं, मैं चले जाऊंगी। भाई कहो तो उठा ले इस छोकरी को। मगज खराब हो गया तेरा? पता है वो कौन है? रामा भाई की छोकरी है, काट के रख देगी वो। चल। बोले तो कौन था वो? क्या नाम बताया उसने? नहीं बताया, सिर्फ मेरा नाम पूछ रहा था। पर क्या क्या बोल रहा था वो? कह रहा था माँ और उसका बिजनेस एक ही है, और हाँ ये भी कह रहा था चलो तो मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। तेरे को कितनी बार बोला घर से अकेले नहीं निकलने का है, फालतू फालतू लोगों से बात नहीं करने का है। पंगे अंकल, सॉरी। देख, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होने को मांगता है, और नेक्स्ट टाइम से अपन तेरे को ठीक टाइम पे छोड़ने को आएगा। ठीक है, अब मैं जाऊं। जाना। अच्छा है। कल एंगेजमेंट सेरेमनी में किरदार अच्छा था, इसीलिए अच्छा है। अपने भाई बहनों के लिए, घर के फंक्शंस के लिए, घर के लिए जिम्मेदारी होना अच्छा ही होता है ना? तुम्हारी जिम्मेदारी सबके लिए है, माँ बाबूजी के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यहां तक कि नौकर और ड्राइवर के लिए भी। नहीं है तो सिर्फ मेरे लिए है ना? है ना? देखो तृप्ति, मकान, गाड़ी, जेवर, ऐशो आराम सब कुछ तो दिया है मैंने तुम्हें। What else do you need? इससे ज्यादा जिम्मेदारी का दायरा और क्या होता है? परिवार, आपका और मेरा परिवार जो सिर्फ एक बच्चे से पूरा होता है। देखो, सब बातों के लिए वक्त नहीं मुझे,
मुझको अपने आप से जोड़ कर रखने की जिम्मेदारी जो आप हर शाम उन औरतों पर जाया करते हैं, यही बात चुभती है मुझे। चुभती है तो चुभे, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। No, please. Get out of my way. प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपको मेरे दर्द का एहसास भी नहीं होता। मेरा भी अगर आया तो राम, यही होता है। रोज रोज रियाज नहीं करते ना, इसका ये नतीजा है। फिर वो लवीना, ए उस छावी का नाम मत लेना, तू सिखा हमें, हम सीखते हैं, फिर देखते हैं हमारे कस्टमर पे कैसे हाथ मारती है वो। हाथ नहीं मारती, झटका मारती है वो, जो तेरे से होता ही नहीं है। चल कर झटका झटका। हाँ ए रीटा, देख देख तू पिटेगी हमसे, कह देते हैं। तो छोड़ना उसे, चल ये देख। ओए ये सब क्या हो रहा है? शब्बो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये तबले का तोड़ भी यहाँ पे आने वाला है? अपनी तो साधना भंग हो गई ना, जा मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। नहीं नहीं गुम, ए पंग्या तू जा यहाँ से, जा हमको रियाज करने दे। पंग्या से पंगा लेने का नहीं, क्या बता रखा घर में तुम लोगों ने? रोए तुझे रमा भाई ने समझाया ना, ये लचक मचक इधर नहीं चलेगा। अगर कमल को पता लगा तो लवीना तो ले गई कस्टमर झटक झटक कर। चुप रे, बोला ना, मैं देखता हूँ मेरे होते हुए कैसे कस्टमर लेके जाती है। हाँ। चल शब्बो मैं तुझे एक नई टिप्स देता हूँ, चल। सो स्टूडेंट्स, बियर बार और नाइट क्लब्स में जो लड़कियां और औरतें, हमारे सोसाइटी का एक ऐसा पहलू है जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। इसीलिए इस हफ्ते एनएसएस के सोशल अवेयरनेस ड्राइव में हम वहां जाएंगे, यानी कि लेडीज क्लब और बियर बार। लेकिन वहां हम कोई मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहे या कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हम वहां जाके उनसे मिलेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनका दुख दर्द क्या है और उनकी परेशानियां, मजबूरियां और हालात को समझने की कोशिश करेंगे। Yes, मेरे पापा परमिशन नहीं देंगे। आई नो, इसीलिए ये सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम कंपल्सरी नहीं है। जिनके पेरेंट्स परमिशन देंगे वही स्टूडेंट्स अपना हाथ उठाएं। दैट्स गुड, तब तक आप एक क्वेश्चनेयर तैयार कर लीजिए और मैं प्रिंसिपल से परमिशन ले आती हूँ। ओके मेरी तरफ से तुम लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक की पार्टी। पहली बार जो बियर बार में जा रहे हैं? नहीं यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग आते होंगे। हाय हाय, बट एनीवे मुझे तो सिर्फ अपने 10 मार्क्स की चिंता है। आखिर 10 मार्क्स से फाइनल्स में एवरेज जो बढ़ जाता है। रेशमा हाउ हिपोक्रेट, तुम्हें बस 10 मार्क्स की चिंता है? कभी अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखो, तब पता चलेगा। अरे पता नहीं कौन किस मजबूरी में ऐसा काम करता होगा। यश, कोई मजबूरी वजबूरी नहीं होती, कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना है सबको बस। मगर ऐसी भी तो कई लड़कियां हैं ना जिन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता होगा। जरूर होंगी, इन फैक्ट वी शुड हैव पिटी फॉर देम, और हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। ए गाइस, ऐसा करते मेरे फ्रेंड अरुण को भी साथ ले चलते। क्यों? अरे उसे बियर बार के बारे में काफी नॉलेज है, अभी कुछ दिन पहले ही अरेस्ट हुआ था रेड पढ़ने पर। एनीवेज हम सब जाएंगे कैसे? आई टेक माय कार, डन। हेलो हेलो मान्या, कौन? विराज। हाँ, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस किचन में मम्मा की हेल्प करने जा रही हूँ। ओह आई सी, और शाम को क्या कर रही हो? शाम को कुछ नहीं, फिर से मम्मा की हेल्प करूंगी किचन में। मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? आई मीन मेरी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है और मेरी वुड बी वाइफ है ना, वो अपनी मॉम को हेल्प करने में बिजी है। जस्ट गिव हर अ मैसेज। बोलो क्या? यही कि आई वुड लाइक टू टेक हर आउट फॉर अ कॉफी इन द इवनिंग। ठीक है, मैं कह दूंगी उसे। तुम्हें लगता है वो आएगी? आई थिंक सो, बट आई एम श्योर अगर तुम कहोगी तो वो जरूर आएगी। ओके बाय बाय। क्या बात है, परेशान लग रही हो? रात को हम लोग लेट हो जाएंगे ना, मुझे घर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ले लो ना, ये लो फोन कर लो। थैंक्स।
लगता है घर पर कोई है नहीं, कोई फोन नहीं उठा रहा। देखो डोंट वरी, शाम को हम लोग सबसे पहले तुम्हें घर ड्रॉप कर लेंगे। ओके ओके, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। सामने पीछे कोई दिख रहा है ना? हाँ हाँ, जा फोन करके परमिशन ले ले। परमिशन के लिए नहीं यार, मैं सोचता शाम को थ्री पीस सूट पहन कर जाऊं। बियर बार जाना है, रेशमा की शादी के रिसेप्शन में नहीं जा रहे हम लोग। चलो चलते चलो। कम इन। हाय मानव। हाय अनिता, तुम? अनिता सॉरी मैं जरा बिजी था। तो बिजी थे, अब मैं आ गई हूँ तो ऑब्वियसली फ्री हूँ। अनिता मुझे ये फाइल आज शाम को। आज शाम को तुम मुझे डेट पे लेके जा रहे हो? वाओ हाउ रोमांटिक, लाइक पुराज। मैं भी कितनी लकी हूँ ना, मान्या की तरह। अनिता मुझे यू नो दिस फाइल हैज टू बी। अनिता यू डोंट अंडरस्टैंड। हाँ क्या माना? That's like a good boy. अच्छा बोलो कहाँ चलना है? जरा प्यार से प्लीज। यंग लेडी बी माय डेट टुडे। I'd love to. मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा, चल चलते हैं यहाँ से। आई नो यार, जिस रिसर्च के लिए आए हैं उसे तो कंप्लीट करना ही होगा। आई नो इट्स सिक बट लुक एट देम, पता नहीं ये लोग इस तरह से कैसे। कमल यार, अगर टीचर नहीं होते ना अपने साथ तो मैं भी ऐसे ही पैसे उड़ा रहा होता।
आपका दिमाग नहीं खाने का, मैं बोली ना धंधे का टाइम है आपको। देखिए मैडम, हम कॉलेज की तरफ से बियर बार की औरतों के ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि रमाबाई आप ही हो जो ये बार चलाती हैं। हाँ बाबा, रमाबाई मैं ही हूँ, मैं ही ये बार। Oh, 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 oh